ओके जी, वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस और आज वाकई बहुत सर्दी है, मुझे लग रहा है बहुत सर्दी है और बहुत सारे जबरदस्त सवाल हमने लाइन अप कर लिए आपके लिए। आपको हमने आज फुल टाइम शर्माने का प्रोग्राम बना लिया है, तो लव जोन में चलेंगे। तैयार हैं आप? लव जोन प्यार क्या है आपके नज़दीक? हुआ नहीं, नहीं हुआ, पता चल जाएगा। ओके ओके ठीक है। और कब प्लान है शादी का? ये सवाल सारे आ रहे हैं हमें आपके, क्योंकि उसने किया है मे बी नेक्स्ट ईयर कर लेनी है आपने। इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं है, आई मीन के कैरियर का भी वो है ना। नहीं नहीं, इट्स ओके, मतलब ठीक है, अब कर लेनी चाहिए, आई थिंक बहुत देर होगी। ओके ओके, फर्स्ट डेट याद है? नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी सारी हो चुकी है कि अब याद नहीं रहती। ओह माय गॉड। अच्छा, एनी सेलिब्रिटी जिससे आप मतलब डेट पर जाना चाहते हो? एज एन नहीं, कोई कोई भी नहीं है इस काबिल, कोई नहीं है। नहीं, इस काबिल की बात नहीं है, लेकिन आपकी कोई, मैंने कभी इस चीज के बारे सोचा नहीं। अच्छा मुझे बताओ तारिक, कोई ऐसा मॉडल जो आपके ख्याल में बहुत ही अंडर रेट हो, उसको वो नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था अब तक? एनी मॉडल को ऐसे हैं फीमेल मेल दोनों में से? यहाँ पाकिस्तान में अगर बहुत सारे ना शुरू करेंगे, एक तो नाम बताइए, मेजर मेजर नाम बताइए। बहुत सारे हैं, मैं अब किस किस का नाम लूँ, किस किस का नहीं लूँ, एज इन नाम तो नहीं, खैर मतलब काफ़ी हैं जिनको मैं देखता हूँ जो मतलब गुड लुकिंग है, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी टैलेंटेड हैं, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसके साथ लक काउंट होती है, लक बहुत है ना, हेल्प फॉर लक। राइट, एक कॉल आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी मीठी सी आवाज की मालिका, तुम्हारा नाम क्या है? रात की रानी। ओह माय गॉड, रात की रानी, डोंट टेल मी। आप यहाँ कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और कैसा लग रहा है आपको एक कप चाय? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट ग्रेट, रात की रानी तो अदब शाम में आई है, तो कोई सवाल करेंगे आप टीटी से, तारिक तकी से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने सर फर्स्ट टाइम एयरप्लस पर कॉल किया, इसलिए थोड़ा सा घबरा रही हूँ। ओह माय गॉड, इससे ठीक है, सवाल तो नहीं पूछा जा रहा। मुझे आप ये बता दें कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर कौन है? ओके बाय, आई लव यू, जी बताइए। मेरे फेवरेट सिंगर आजकल छाए हुए हैं राहत अली खान। राहत फतेह अली खान, क्या गाने गा रहे हैं। यस, और बहुत जल्दी एक और गाना भी गाने वाले हैं, वो शानदार किस्म का। बहुत जल्दी, इवन अभी कल मैंने एक रिकॉर्ड करवाया, आपका मॉर्निंग शो का प्रोग्राम है। ओह माय गॉड, ये अभी रहने देंगे सस्पेंस रखने का, अभी सरप्राइज आ रहा है उसका एक जिंगल, पूरा प्रॉपर सॉन्ग उसमें आप भी होंगे, उसमें रोज देखेंगे अबाउट क्या गेस्ट अपीयरेंस की है मैंने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फिट है फिट है। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ मॉडल्स के हवाले से। अच्छा बताएं, हु इज़ द मोस्ट ओवर रेटेड मॉडल और एक्टर इन पाकिस्तान? इसको है कुछ नहीं बेचारा, लेकिन बहुत बना दिया गया है कि हम ये वो। नहीं, ऑब्वियसली जिसको बनाया गया है ऑडियंस ने पसंद किया और ऑब्वियसली वो होगा, कुछ तो कुछ तो होगा। अच्छा, मतलब सवाल बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, अब फंसाते हैं आपको। बात है मशवरा मुफ्त, राइट, और हम कुछ नाम देंगे, आपने कुछ इनको देने एडवाइसेस देने हैं, इन लोगों को सेलिब्रिटीज को है, आने करने की क्या करें लोग। प्लीज मीरा वीना, ये नाम जी जी यही होना। ओके मोहम्मद राना, एनी एडवाइस फॉर हिम? गुड लुकिंग, स्मार्ट, मतलब एडवाइस को देंगे क्या कर रहे हैं एज के साथ साथ वो अपने आप को फिट रख रहे हैं, और मैं उनको एडवाइस यही करूंगा कि मजीद आगे फिट रखें। ओके ओके ओके, शान शान प्लीज पंजाबी फिल्में छोड़ दें आप, है ना, बनते तो बहुत हैं, क्या उनका इनका पीछा छोड़ दें थोड़ा सा। फिजाली, शी इज सो क्यूट, मशवरा देंगे उनको आप? मशवरा उनको मशवरे की जरूरत नहीं है, वो मुझे एडवाइस कर रही होती है। ओह माय गॉड, रीमा जी, रीमा जी की शादी होगी, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। ओके, नरगिस 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 नरगिस, क्या करें वो, क्या करें, डाइटिंग कर लें। ये मोस्ट आला जवाब था। फिर मीरा, मीरा मीरा जी के बारे में काफ़ी सुना है, और बेचारी मीरा, इतने लोग उनको इतना कुछ बोलते हैं, मेरा बल्कि उनसे सवाल है कि वो क्यों नहीं कुछ रैक करती। आहा, ग्रेट। इमरान अब्बास, कोई मशवरे की जरूरत है? ओके, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद इज वेरी गुड टू। बहुत मुश्किल चीजें, मैं अपने सीनियर एक्टर्स को कैसे मैं एडवाइस कर सकता हूं? आप दे सकते हैं, मतलब छोटे भी बहुत एक टाइम बड़े होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेशम, क्या एडवाइस देंगे? रेशम रेशम, मैंने उसको कोई एडवाइस किया ना, उसने मुझे ऑफ द सीट मारना है। रियली? ऐसा करती है वो, मारती भी? नहीं नहीं, मारती मतलब बहुत स्वीट है। ओके, बहुत स्वीट है। ओह माय गॉड यार, मजा आ रहा है यार, स्वीट भी है वो।
ओके जी व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस और आज हमने इनवाइट किया हुआ है द ग्रेट तारिक तकी को और वो बहुत मदद बातें कर रहे हैं। एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं कि जो नरगिस का शो है नरगिस एंड नॉटी, वो अब से आप देख पाएंगे मंगल की रात 10 बजे। ग्रेट ग्रेट। और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द ब्रेक। मैं हूँ जैजी, धुन की धुन की धुन की लाले। आते हैं ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि आप जो सवाल करते हैं अपने शो में वो आम शोज में नहीं होते। यही तो बात है कि हम लोग वो सवाल करते हैं टीटी जो कि रूटीन में नहीं होते हैं। और लोग कहते हैं कि हम पता नहीं क्या सवाल होने वाले हैं यहाँ पे, है ना? राइट, सही है ना? राइट जी, बिल्कुल राइट है। अच्छा मुझे बताएं टीटी के लास्ट आपने सॉन्ग, बेस्ट सॉन्ग कौन सा सुना, मजेदार सा गाना कुछ सुना है? अभी रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग सुना, मुझे सिंगर का नहीं पता। उसका लिरिक्स तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना। गा के सुनाएंगे हमें, मजा आएगा सीरियसली। प्लीज आपकी आवाज, गला खराब है। प्लीज, यही तो स्टार्स की बात है, गाइए प्लीज थोड़ा सा। तूने मेरी जाना कभी भी ना जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। तूने मेरी जाना कभी भी ना जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। क्या बात। आशिक तेरा भूल गया, कोई बात नहीं, चलता। लेकिन बहुत जबरदस्त गाया आपने, फिट था। अच्छा सीरियसली बहुत अच्छा गाया, फिट है, फिट है, फिट है। अच्छा लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट मूवी मैंने अभी फिल्म देखते हैं वैसे, कितनी देखते हैं? बहुत देखते हैं, तो बताइए कौन सी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है? मोस्टली मैं इंग्लिश मूवीज ही देखता हूं। अभी मैंने रिसेंटली इमोर्टल्स, मॉड बच्चा होने का यानी के इमोर्टल्स, इमोर्टल्स, राइट राइट राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसका काम करना चाहता हूं, किंग के साथ काम करूं मैं, किसी स्टार के साथ काम तो क्यों चाहता है? मेरा ख्याल है मैं तकरीबन जितने मतलब सबके साथ काम कर चुका हूं, और मैं मोस्टली मतलब काफ़ी आप कह लें कि हाँ इवन बॉलीवुड के मतलब एक्टर्स वगैरह से मिल चुका हूं मैं, लाइक आप कह लें कि मैं इवन अक्षय कुमार, दिलेर मेहंदी, सुनील शेट्टी, इमरान हाशमी, और उसके अलावा इनका नाम क्या है, अमीषा पटेल, ये मलेशिया में जब लेजी लम्हे सॉन्ग जो था उसकी शूट हो रही थी वहाँ पे, कुनाल खोली, और उसके साथ मतलब अमीषा पटेल, सैफ अली खान, छोटे नवाब, छोटे नवाब बिल्कुल ठीक है वो थे। और मेरी जिस दिन की फ्लाइट थी वापसी की फ्राइडे को, उस दिन रानी मुखर्जी आने वाली थी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। नहीं उसकी बात नहीं, वैसे बड़ी हो गई है काफी। अच्छा मुझे आप बताइए, मुझे आप बताइए टीटी कि जनाब एक बात जहन में आती है कि टीटी मतलब इतने टॉप नॉच मॉडल है, तो उनकी फेवरेट चॉइसेस क्या होंगी मॉडल्स में, फीमेल में, कोई नाम लीजिए ना अच्छे अच्छे हमारे यहाँ। यहाँ पे काफी मॉडल्स हैं अच्छे। एक तो आप हर सवाल का काफी बता रहे हैं, सियासी बयान देने पड़ते हैं ना, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, किसे बाद में ये शोज बहुत से लोग देखते, बहुत से लोग देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिजर्व रहना पड़ता है। बताइए ना नाम, हम चाहते हैं कि लोग नाम सुने। यस लड़कियों में महरीन सैयद, महरीन सैयद बहुत अच्छी मॉडल हैं, और इसके अलावा बॉयज में इमाद इरफानी, इमाद इरफानी बिल्कुल वेरी गुड, फिट है, फिट है, फिट है। अच्छा एक मॉडल बनने में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक सवाल आया हमें कोयटा से, वो कहने कि अच्छे मॉडल बनने के लिए क्या तीन क्राइटेरिया होने चाहिए? तीन सिंपल, क्या? गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग। सही है, सही है। यानी कि टैलेंट वगैरह, टैलेंट वगैरह आजकल बहुत कम देखा जाता है। आजकल बस गुड लुकिंग है, कैमरे के आगे खड़ा किया, मेकअप किया और पिक्चर्स बनाई चार, और वो मॉडल है, बन गए। हाँ वो समझते हैं, बन गए, दिखा ना फेसबुक के ऊपर ये हो रहा होता है कि हमने जी मॉडल बन गए। ऐसे ही है मुझे कई जगह पे मैं जाता हूँ, मुझे बहुत से लड़के आके मिलते हैं सामने से, तारिक भाई क्या हाल चल रहा है, मैं भी मॉडलिंग करता हूँ। अच्छा आपने क्या क्या काम किया? ये चार तस्वीरें हैं, ये मैंने शूट किया, मुझे कुछ काम दिलवा दें, मुझे कुछ काम दिलवा दें, ऐसा बहुत ऐसा होता है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप किसी एजेंसी के थ्रू जाएं, आप किसी में, मैं खुद मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, अपना काम मैं कैसे आपको दे सकता हूँ कि ये ले आप कर। तारीख 2011 जाने वाला है, चंद दिन रह गए हैं, कुछ यादें हैं, क्या खोया क्या पाया इस साल, कैसा रहा 2011? बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला हर साल ही, मतलब हर दिन हर घंटा आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, ठीक है, तो काफी कुछ सीखा, खोया कुछ भी नहीं,
पाया बहुत कुछ। क्या पाया? लोगों का प्यार, इस तरह की चीजें, मतलब खास प्यार भी मिला आपको? मैं आपको बहुत कोशिश कर, लेकिन आप उसमें नहीं आ रहे। आप मुझे दूसरे ट्रैक से उतारने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैं पूरा ट्रैक पे हूँ। यस, ये चीज। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी लाइफ के एसेट्स क्या हैं, आपकी जिंदगी का असासा कौन है, कोई ऐसी शख्सियत है लाइफ में जिसने आपको बहुत कुछ? हाँ, पेरेंट्स, माँ बाप। वो सबसे पहले वो वाला। बिल्कुल ठीक है। राइट राइट राइट। अच्छा जनाब, एक बड़ा मज़ेदार सवाल हमें भेजा है आसिया ने फ्रॉम पिशावर, और आसिया कह रही है कि इनसे पूछे कि ये कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। यस, लाइफ पार्टनर कौन कैसा चाहता है, हर कोई होता है, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर जो है, मतलब ऑब्वियसली एक हाउस वाइफ होगी। ओके। और सेकेंडली ये होगा कि जो मुझे समझें, मेरी चीजों को समझें, मेरी इस फील्ड को अंडरस्टैंड करें। हाँ, ये जाना बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो कुछ चारा नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर कुछ मसला हो जाए थोड़ा सा, कि आप उसके साथ ऐसे क्यों खड़े थे, उससे क्यों मिल रहे थे, वो कौन है। ऑब्वियसली यहाँ हर किसी से मिलना पड़ता है, आप नहीं भी मिलना चाहते तो आपको फेस पे एक फेक स्माइल रख के मिलना पड़ता है। अच्छा, हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ तीन पत्ती? अभी हाल में काम किया ना, जगह बड़ा मजेदार चीज थी वो। हाँ, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। टोनी के साथ काम, टोनी आला है, के साथ काम किया, बहुत मजा आया। टोनी इज अ ग्रेट एक्टर। यस।